सो हेलो फ्रेंड्स, धीरे धीरे हर एक कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा किस कॉलेज का, वो है सेंट जेवियर कॉलेज का। सेंट जेवियर कॉलेज का फॉर्म फिलअप आ गया था, वो पहले ही नोटिस आ गया था आपको कल ही, और आज फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा। तो पूरा प्रोसेस ध्यान से देखना, शुरू से अंत तक देखना, कोई भी मिस्टेक मत करना। उसके लिए तुमको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। कुछ मिस्टेक हो जाने से बाद में क्या होता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो वो चीज मत करना। आप पूरा प्रोसेस ध्यान से देखना, ए टू जेड देखना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले सेंट जेवियर कॉलेज का ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो एक पॉपअप आएगा, पॉपअप क्लिक करना यूजी एडमिशन पे। क्लिक करते ही थोड़ा स्क्रॉल करना, देखना यूजी कोर्सेज दो सेशन 2022-23 आएगा, वहां पे क्लिक हियर फॉर डिटेल्स पे जाना। उसके बाद यहाँ पे कोना पे देखना लॉग इन नहीं करना है, तुम क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो देखोगे इतना सारा सब्जेक्ट में किस में अप्लाई करना उस पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन द रेस्पेक्टिव स्ट्रीम फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बीकॉम ऑनर्स करना है, इवनिंग मॉर्निंग कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल मान लो इवनिंग करना है किसी को, इस पर क्लिक कर देने से क्या होगा, फॉर्म फिलअप फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। फॉर्म खुल गया उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। उससे पहले देखो ऊपर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो वो चीज पहले जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले बोला गया है कि प्रिंटिंग फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब कि आपको कहीं से भी आपको ये एप्लीकेशन जब प्रिंट निकलेगा वो प्रिंट आउट करा लेना होगा, ठीक है। कॉस्ट बोला है 500, पहले नहीं लेता था, अगला साल नहीं लिया था कोरोना का चलते में, बट इस साल तो पेमेंट लेगा ही दिख रहा है, 500 रुपया पर हेड लेगा पर फॉर्म फिलअप। आपको ब्लॉक लेटर में फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, स्मॉल लेटर नहीं करना, ब्लॉक में सारा जो फील्ड में जो कहीं कहीं भी स्टार मार्क दिया हो सारा भरना है, ठीक है। वो ऑब्वियसली हम फॉर्म फिलअप में बताएंगे, सारा ही भरना होगा, कैसे भरना है आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट और रजिस्टर्ड हुआ है नहीं, वो कैसे पता चलेगा, तो आपको वापस इस वेबसाइट में जाके आपको चेक करना पड़ेगा। आप कहाँ से चेक होगा ये वीडियो का लास्ट में बता दूंगा, कहाँ से आपको चेक करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है कि नहीं, आपका फॉर्म का एप्लीकेशन प्रिंट वापस निकालना है, किसी को फॉर्म प्रिंट निकाल के मतलब होता है ना कभी कभी हरा जाता है तो वापस प्रिंट आउट निकालना है क्योंकि जरूरी होता है, वो चीज करना। आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट का रिसिप्ट निकालना, वो सारा चीज कैसे होगा वीडियो के बाद में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा। एक इम्पॉर्टेंट, लैमिनेटेड मार्कशीट अलाउड नहीं है, कलर जेरोक्स अलाउड नहीं है, मतलब क्या, आपको क्योंकि एडमिशन के बाद में आपको डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाता है, उसमें आपको क्या है कि कभी भी आपको बहुत जन होता है कि क्लास 12 का मार्कशीट लैमिनेट करा लेता है, नहीं सजा के हम रखेंगे, बट अभी मत रखना, क्लास 12 का मतलब कॉलेज का एडमिशन हो जाता है उसके बाद लैमिनेट करके सजा के रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मत करना, क्योंकि लैमिनेट करा लोगे तो प्रॉब्लम होगा, अप्लाई ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर क्या करोगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सोचोगे कलर जेरॉक्स देते, कलर जेरॉक्स भी नहीं, ओरिजिनल ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेम एड्रेस सब सही लिखना, वो तो लिखेंगे ही, और प्रिंट निकालना है आपको, ठीक है, प्रिंट निकालना पेमेंट से पहले निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद आता है डू नॉट फिल विद परसेंटाइल मार्क्स, परसेंटाइल मार्क्स क्योंकि बहुत जन का होता है ना, मार्क्स आता है 80 लेकिन परसेंटाइल आता है 96 फॉर एग्जांपल, तो 96 दे देते हैं परसेंटाइल, मतलब वो मार्क्स में दे देते हैं, वो नहीं देना है आपको, मार्क्स ही देना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बार अराइज हुआ बहुत जन, मतलब इसलिए तो फॉर्म फिलअप प्रोसेस देखना चाहिए कि क्या भरना है या नहीं, आपको परसेंटाइल नहीं भरना, आपको मेन जो मार्क्स आता है 100 में कितना आया वो देना है, परसेंटाइल नहीं देना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस लाइन बाय लाइन। सबसे पहले फर्स्ट नेम आपका जो है वो दो, मिडिल नेम है तो दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सरनेम है तो जो है वो दो, जो एज पर एडमिट कार्ड और बोर्ड का जो भी है वहां से देना, कुछ अपने मन से नहीं देना, स्पेलिंग सब मिला देना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लो लास्ट बोर्ड और काउंसिल का मार्क्स में जो लिखा हुआ वही देना है आपको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका मार्क्सशीट में, आपका एडमिट कार्ड में वो देना, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है। जेंडर फीमेल करो मेल करो चलेगा कोई भी, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स इवनिंग में मेल फीमेल दोनों अलाउ है, ट्रांसजेंडर भी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेल है तो मेल, फिजिकली चैलेंज नो हो तो नो, यस हो तो यस, ठीक है। कम्युनिटी कौन सा कास्ट हो, ऑब्वियसली कास्ट के लिए रिजर्वेशन मिलता है यहाँ, तो जनरल करना है तो जनरल करो, नहीं तो फिर जो है तो। उसके बाद अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है कौन सा धर्म है। उसके बाद एड्रेस आपको देना है, आपका जो एड्रेस है वो दे देना, पूरा प्रॉपर एड्रेस देना, ठीक है। अभी तो हम फॉर्म फिलअप बना रहे तो जो भी कुछ लिखती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आपका अपना सिटी देना है, जो सिटी से बिलोंग करते हो, आपको अपना एड्रेस का पिन कोड देना है यहाँ पे,
आपको एड्रेस, आपका स्टेट देना है, कौन सा स्टेट में रहते हो आप वो देना है, आपका खुद का मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है, ठीक है, आपका फोन नंबर, ये फोन नंबर तो कंपलसरी नहीं है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, यहाँ फोन नंबर अगर मांगा तो कुछ भी दे देना, मतलब पापा मम्मी का, लेकिन अपना मोबाइल नंबर यहाँ कंपलसरी देना, ये देना जरूरी है क्योंकि फर्दर कॉलेज कुछ भी नोटिफाई करेगा तो आपका ईमेल या फिर फोन नंबर में दे देता है, तो फॉर एग्जांपल ईमेल। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आएगा, क्लास 12 का डिटेल देना है, क्लास 12 का स्कूल का, कौन से स्कूल से पढ़े, ये सारे स्कूल अगर पढ़े हो तो इसका दे देना, नहीं तो फिर अदर करके जो स्कूल में पढ़े वो देना, क्योंकि ये सारे स्कूल में ना थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको मिलेगा, अगर इस कॉलेज से बिलोंग, इस सारे स्कूल से पढ़े हो और तो इस कॉलेज में आपको प्रेफरेंस थोड़ा मिलेगा, नहीं तो अदर करके नाम लिख देना अगर नहीं मिलता है ये सारा कॉलेज, और ये सारा मतलब स्कूल में नहीं पढ़े हो आप क्लास 12 में, तो कोई और स्कूल में पढ़े हो गए तो अदर करके उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिख देना। क्लास 12 का बोर्ड क्या था, वेस्ट बंगाल बोर्ड था, वो लिखो, आईएससी था वो लिखो, सीबीएसई था वो लिखो, नहीं तो फिर अदर करके उस बोर्ड का नाम लिख लो, ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट, क्लास 12 स्कूल, क्लास 12 का जो स्कूल था वो कहाँ पे था, कहाँ पे था मीन्स कि अगर मान लो कि सेंट जेवियर स्कूल है तो वो कोलकाता में, आप कोई और, आप क्लास 12 कोई और बिहार के स्कूल से पढ़े हो, कोई क्लास 12 मुंबई से पढ़ा है क्लास 12 को, वो देना, जिस सिटी से पढ़े हो, क्लास 12 का सिटी, क्लास 12 का स्कूल जो था वो कौन से शहर में था वो देना, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12 का एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर रहता है वो देना, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, इसमें इस पांचों ईयर में किसी भी ईयर में पास हुए तो आपका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में, ठीक है। स्ट्रीम देना, आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स या फिर इको और अकाउंट्स के साथ अगर मैथ और स्टैट्स है तो वो देना, एग्जांपल कॉमर्स, कॉमर्स स्ट्रीम है तो कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स में दोगे ना तो यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी देता है क्योंकि मैथ्स आपका होना चाहिए, फिर बिजनेस मैथ या फिर स्टैट्स, ये तीनों में से कोई एक होना ही चाहिए आपके पास, तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स ले रहा है, बेस्ट ऑफ 4 चार सब्जेक्ट का ही मार्क्स लेगा, आपके पास 6 सब्जेक्ट होता है लेकिन जिसमें से इंग्लिश मैथ तो कंपलसरी कर दिया, ये दोनों होगा। उसके बाद आप सोचो कि 2 सब्जेक्ट का किसका किसका मार्क्स दे, तो किसी का भी मार्क्स दे सकते हो बाकी 4 में, लेकिन वो बाकी 4 में यहाँ पे जो तो मार्क्स रहेगा उसमें से कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस क्या है, ये सारे सब्जेक्ट आप वो बाकी 2 कॉलम में फिलअप नहीं कर सकते हो, ये सारे ईवीएस, वोकेशनल, फैशन स्टडी, होम साइंस, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा सब्जेक्ट यहाँ फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसमें भी कुछ एक्सेप्शन, अगर आप ये कोर्स लेते हो एमएससी मल्टीमीडिया, बीएससी मास कम्युनिकेशन, अगर ये सब करते हो तो जो जो स्टार मार्क वाला है ना वो सारे भर सकते हो यहाँ पे, नहीं तो ये दोनों कोर्स के अलावा कोई और कोर्स कर रहे हो तो ये सारा सब्जेक्ट ही आप नहीं भर सकते हो यहाँ दोनों में, ठीक है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो मैं कुछ 2 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सपोज करो एक अकाउंट्स हुआ, एक कॉस्टिंग, आपका जो सब्जेक्ट वही देना, लेकिन ऊपर वाला जो एक्सेप्शन है वो सारा सब्जेक्ट मत देना, वो लोग लेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्क्स देना, जो मार्क्स आपका ओरिजिनल आया, परसेंटाइल यहाँ मत देना, फिर पहले से बोला हुआ है यहाँ पे, जैसे करोगे यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपका टोटल मार्क्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा और 89% भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5, 6, 7, 8 दिया हुआ है, अगर आपको भरना है बाकी सब्जेक्ट का मार्क्स तो भर सकते हो, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद क्लास 10 का डिटेल्स आता है, क्लास 10 अगर सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़े, सेंट जेवियर स्कूल से क्लास 10 दिए हो तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिल सकता है, नहीं तो अदर करके आप उस स्कूल का नाम लिख देना, ठीक है। उसका मीडियम ऑफ स्कूल करना, क्लास 10 का जो मीडियम था क्या था, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, अदर्स क्या था, इंग्लिश है तो इंग्लिश। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपका आता है फॉरेन स्टूडेंट के लिए, तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेशनलिटी इंडियन, इंडियन सिलेक्टेड है, इंडियन ही है। उसके बाद आपका फादर्स नेम देना, मदर्स नेम देना, गार्जियन किसको बनाना चाहते हो, फादर मदर जो भी है वो देना, और गार्जियन के साथ रिलेशन क्या है, फादर है मदर है वो देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फैमिली इनकम, गार्जियन का रिलेशन दे देना, ठीक है वो चीज, और किसको पता ही नहीं गार्जियन रिलेशन क्या होता है नहीं पता, फादर मदर दे देना। उसके बाद यहाँ पे गार्जियन ऑब्वियसली फादर क्या है, मतलब जिसको गार्जियन बना वो क्या है, उसके साथ रिलेशन क्या है, सन का तो सन दे देना, ठीक है वो हटाओ, ये वैसे भी कंपलसरी नहीं है इतना चीज, तो उतना मैटर नहीं करता। आपको मेन है ये कंपलसरी दे दिया है, मंथली इनकम देना पड़ेगा किसी को भी स्कॉलरशिप का फायदा उठाना है, तो आपको 2.5 लाख से कम देना पड़ेगा ईयरली इनकम, तो मंथली इनकम अराउंड 20,000 होना चाहिए, नहीं तो आपको जो इनकम है वो दे सकते हो, ठीक है। एक और चीज इसमें फिर से बता देता हूँ, फादर मदर का नाम दे दिया, गार्जियन जो है फादर मदर ही होते हैं मेनली, तो वो देना, फादर का नाम है तो फादर का नाम दे देना, गार्जियन के साथ रिलेशन क्या है, फादर सन का है क्या है वो दे देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे टिक कर देना, उसके यहाँ पे सबमिट कर देना, सबमिट जैसे करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा,
वो चीज़ ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेना, प्रिंट पे करके जाओगे तो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रिंट कर लेना, उसके बाद आपको मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक ये है प्रोसीड विद ऑनलाइन पेमेंट में जाना। पेमेंट में जाओगे तो यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट मांगेगा, तीन डॉक्यूमेंट्स में जिसमें एक ही कंपलसरी है, क्लास 12 का मार्कशीट। अगर आप किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी है तो कास्ट सर्टिफिकेट दे सकता है, कोई क्रिश्चियन कैंडिडेट है तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दे सकता है, नहीं तो क्लास 12 का मार्कशीट कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसीड करने के लिए मुझे एक तो कोई भी फॉर्म, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ दे दिया यहाँ पे, तो अपलोड कर दिया पीडीएफ, ऐसे अपलोड करना है। और पीडीएफ जो होगा, ये जो डॉक्यूमेंट हुआ क्लास 12 का मार्कशीट, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, वही अपलोड होगा यहाँ पे। और पीडीएफ का शायद 800 केबी से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, 800 या 800 से कम। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करोगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आता है थैंक यू फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद पेमेंट के लिए जाता, पेमेंट करना होगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो क्लिक करके। उसके बाद आपको पता है पेमेंट करना कैसे है, ठीक है, ये चीज प्रोसेस हो गया। उसके बाद दो चीज प्रॉब्लम आता है कि पेमेंट कर दिए, उसके बाद ट्रांजेक्शन फेल हो गया, या फिर एप्लीकेशन प्रिंट आउट नहीं किए, या फिर पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट नहीं किए, तो कहाँ से आप प्रिंट आउट करोगे, प्रिंट आउट कहाँ करोगे? तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको डायरेक्टली वापस ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद बताता हूँ, उसके बाद अगेन यूजी कोर्स क्लिक हियर फॉर डिटेल्स जाना। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखना लॉग इन टू योर एप्लीकेशन आएगा, लॉग इन टू योर एप्लीकेशन में ना ये चीज़ आपको लॉग इन करना होगा, ये सारा चीज़, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो जो दिए थे एप्लीकेशन में, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब देना। उसके बाद एप्लीकेशन कोड नंबर देना, ये आपको मैसेज में आ जाएगा, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन कोड नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका एप्लीकेशन कोड नंबर है, ये लिख लेना, ठीक है, ये वाला। ये लिख के जैसे सबमिट करोगे, यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, आप एप्लीकेशन फी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हो, वापस आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हो, आप वापस अपना रिसिप्ट भी पेमेंट प्रिंट आउट कर सकते हो, ये सारा चीज़ कर सकते हो, अगर आप भूल गए हो बाद में तो, ठीक है। तो यहाँ यहीं पर प्रोसेस खत्म होता है फॉर्म फिलअप का। आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस वीडियो में, वीडियो में तो नहीं आएगा, फॉर्म फिलअप में भी नहीं आएगा। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और इस कॉलेज का पूरा रिव्यू आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉलेज देख सकते हो, कॉलेज कैसा है, बेसिकली बहुत अच्छा कॉलेज है ये, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। सो थैंक यू सो मच, और लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। सो थैंक यू सो मच।